Hello friends and welcome to Pawan Puri's Pit Stop and to another exciting video on badminton. दोस्तों ऐसे ही कुछ शुरुआत करता हूँ मैं अपने वीडियो की, लेकिन आज कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा कि योनिक्स मसल पावर 29 लाइट टूट गया। जी हाँ, योनिक्स मसल पावर 29 लाइट जो कि मेरा एक फेवरेट रैकेट था, कुछ फेवरेट रैकेट्स में से एक था मेरे, और इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा था, वो रैकेट फाइनली टूट गया। हालांकि इसका एक पुराना वर्जन जो था, ओरिजिनल योनिक्स मसल पावर 29, वो भी मेरे पास था, वो भी मैंने काफ़ी यूज़ किया जब तक उसकी शेप ख़राब नहीं हो गई। इसके बाद फाइनली फिर मैंने ये रैकेट लिया। ये एक बहुत ही बढ़िया और इवनली बैलेंस्ड रैकेट है, और इसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और इसने मेरे को काफ़ी टूर्नामेंट्स में भी हेल्प की। काफ़ी टूर्नामेंट्स मैंने खेले, काफ़ी टूर्नामेंट्स मैंने जीते भी, लेकिन फाइनली इसने मेरा साथ छोड़ दिया, और बहुत ही अजीबोगरीब तरह से इसने मेरा साथ छोड़ा। तो ये देखिए आप किस तरह से ये रैकेट जो है, ये देखिए टूटा है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर से जो है ये रैकेट टूट गया है, और सच बताऊँ तो मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट रैकेट था। और क्या होता है कि कुछ चीज़ों की आदत हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो अभी टूट गया है, तो शायद मैं एक और नया, इसका जो नया वर्जन है मे बी मसल पावर 29 लाइट का, जो 30 LBs का है, हो सकता है मैं वो खरीदूँ। लेकिन अभी सबसे पहले बात हम ये करने वाले हैं कि आखिर ये रैकेट टूटा कैसे, लेकिन क्या रीज़न हो सकता है कि ये रैकेट टूटा, और ऐसा टूटा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, जो कि नॉर्मली इस रैकेट की टेंडेंसी नहीं है। सच बताऊं तो जितने भी आज तक इतने सालों से मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, और जब से ये रैकेट जो है मैंने यूज़ करना शुरू किया है, और जब से मैंने इस रैकेट को फॉलो करना शुरू भी किया है, अगर मैं ऐसी बात बोलूं तो मैंने किसी से भी ये नहीं सुना कि ये रैकेट जो है वो टूट गया। ना मैंने सुना, ना मैंने देखा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये रैकेट की ड्यूरेबिलिटी जो है वो स्पॉट ऑन है। ऐसा कुछ नहीं है कि रैकेट जो है ड्यूरेबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मे बी इस पीस में कुछ फॉल्ट हो, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो होते हैं, बट बहुत ही माइनर डिफेक्ट हो सकता हो, या हो सकता है मैंने कुछ खेलते हुए गलती की हो, कुछ ऐसी शॉट मारी हो, या इस तरह से जो है शॉट लगी हो कि रैकेट जो है टूट गया। लेकिन इसको हम फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, फाइंड आउट करेंगे, और मैं फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक चलते हैं और आपको ये बताता हूँ, आपको लेके चलता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा था जिससे ये रैकेट टूटा। आ रहे हैं आप लोग ना, चलिए। देखा, ऐसे एक कोना लगा और ये रैकेट जो है टूट गया। देखिए टूटे हुए रैकेट से जो है मैं अभी लगा हुआ हूँ, स्ट्रिंग अभी भी नहीं टूटी, रैकेट टूट चुका है। ये देखिए रैकेट के टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रिंग इंटैक्ट। तो दोस्तों ये था कीड़ा, जिसे शांत करने में आया और उसने मेरे ही कीड़ा कर दिया और मेरे रैकेट को तोड़ दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि रैकेट कैसे टूटा। हालांकि जब मैं खेल रहा था और रैकेट टूटा था, उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, ये सिर्फ रिक्रिएट किया आपको बताने के लिए कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा था। जी हाँ, मैं यही कर रहा था, और कोरोना वायरस के इस दौर में परेशान होकर के, इम्पेशेंट होकर मैं जो है छत पर चला गया इतनी गर्मी में, और वहाँ जाके फिर मैंने जो है अपनी कुछ प्रैक्टिस शॉट्स लगानी शुरू की, और कुछ इतना इन्वॉल्व हो गया कि एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट मैंने जो है वो लगाई, और वो शायद इसके स्वीट स्पॉट से नहीं लगी, और जो कॉर्क था वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो इसको लगा, और वो यहाँ से टूट गया। और मैं सच आपको बताऊँ कि जब इसके यहाँ पे लगने के बाद ये टूटा, तो शायद मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। उसके बाद ये मैं थोड़ा बहुत खेलता रहा, एक दो शॉट्स और मैंने लगाई, लेकिन जब एक शॉट यहाँ लगाने के बाद शटल थोड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में गई, तो मुझे ऐसा लगा, तब मेरी नज़र गई, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें तो
तो थोड़ा दूर से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना कि एग्जैक्टली ये रैकेट जो है वो टूट गया। ये तो आप ऐसे देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये रैकेट टूट गया। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये रैकेट जो है, मतलब क्या रीजन हो सकता है कि रैकेट जो है ये टूट गया। तो मैं भी दोस्तों काम का पक्का हूँ और आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये फाइंड आउट करने वाला हूँ। बिल्कुल आई एम गोइंग टू डिग इन, बिल्कुल बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, इधर उधर से पता करूंगा और एनालाइज करूंगा एग्जैक्टली कि रैकेट कैसे टूटा, और हाजिर हो जाऊंगा एक और वीडियो के साथ जिसमें एग्जैक्टली मैं आपको पूरा रीजन बता पाऊंगा कि रैकेट एग्जैक्टली यहाँ से क्यों टूटा। मैं जानता हूँ कि शटल जो है लगी होगी और उससे इसके टूटने के चांसेस रहे होंगे, लेकिन वहां से क्यों टूटा, इसका रीजन जो है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा फेवरेट रैकेट है और ये मेरा फेवरेट रैकेट टूट गया है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। तो दोस्तों कोई नहीं, मैं बहुत जल्दी जो है हाजिर होने वाला हूँ एक वीडियो के साथ और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये रैकेट जो है कैसे टूटा। सब्सक्राइब रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और बताइए कि आपको ये कैसा लगा और ये मेरा प्यारा टूटा हुआ रैकेट आपको कैसा लगा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तब तक अच्छी अच्छी सेहत रखिए, अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए एंड हैव अ गुड डे।